पहले तो गाइस ये बता देना आपको मेरा मास्क कैसा लगा। मास्क मैंने आपको बोला था ना एक वीडियो में, मैं दिखाऊंगा आपको मास्क मेरा, देख लो। और अभी जो फील आ रही है मेरे को इस बाइक की, नेक्स्ट लेवल। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डे, अनदर वीडियो। आज हमारे पास है गाइस रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला 450। आज इसके बारे में गाइस हम सारी डिटेल्ड में बात करेंगे, क्या है इसमें, क्या नहीं है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नया डिजिटल मीटर है, सब कुछ, क्या एवरेज है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस वीडियो की शुरुआत करते हैं चाबी से। चाबी वही रॉयल एनफील्ड की स्टैंडर्ड है, जो नई आ रही है, जो नए बाइक्स में आ रही है वही दी है। दो चाबी मिलती है आपको, एक तो ओरिजिनल लग रही है, एक ऐसे लग रही है कॉपी है। चलो आ जाओ, बाइक की शुरुआत सीधा मीटर से करते हैं गाइस। वीडियो की शुरुआत बाइक के मीटर से करते हैं गाइस। मीटर थोड़ा सा फ्लिकर कर रहा है, बाकी सिर्फ ये वीडियो में कर रहा है, वैसे तो नॉर्मल है। और ABS लॉ सिस्टम, कम्युनिकेशन चेक, ABS सिस्टम, ये तो चलो वैसे ही आएगा। इस सर्विस बाइक है ना, ये सिर्फ वीडियोस के लिए बना है। तो मीटर की शुरुआत करते हैं गाइस। मीटर का सब कुछ है इसमें डिजिटल, सब कुछ डिजिटल है। आप इसमें कोई भी मोड चेंज कर सकते हो। ये बटन है, ये बटन है, मोड बटन है, आप इसको दबा के रखोगे सब कुछ चेंज होगा। देखोगे ध्यान से देखना, फ्लिकर कर रहा है उसको इग्नोर कर देना। ये देखो स्ट्रॉन्ग वायरिंग, ट्रिप वन, होम, स्ट्रॉन्ग वायरिंग वगैरह सब कुछ, सारी डिटेल यहीं से आ रही है। देखो सारे ना, फ्यूल वगैरह सब कुछ बता रहा है ये। और ODI सिस्टम्स, ब्रेक वगैरह बिल्कुल सब कुछ सेट है, बस फ्लिकरिंग की दिक्कत है, इसको इग्नोर कर देना। सेकंड पार्ट बाइक का सबसे मेन चीज़ होती है इंजन गाइस। इंजन वही बिल्कुल अपने हिमालयन वाला है, बिल्कुल स्टैंडर्ड इंजन वही है, वही इसमें डाल दिया गया है। 450 गोरिल्ला लिखा हुआ है देख लो, और यहाँ पे वो लिखा हुआ था हिमालयन 450 आता होता तो पहले, बिल्कुल सेम वही है सब कुछ। और चेन सिस्टम सारा ओपन ही पड़ा है, शॉकर चेक कर सकते हो आप। सस्पेंशन इसकी वो है, क्या बोलते हैं, एडजस्टेबल सस्पेंशन है। और लिक्विड कूलिंग इसमें दी गई है गाइस, लिक्विड कूलेंट है, ये भी चेक कर सकते हो आप। लिक्विड कूलेंट के साथ साथ दिया गया है सब कुछ। 450 एग्जैक्ट इसका इंजन सीसी नहीं है, 4.52 सीसी इसका इंजन सिस्टम है गाइस। 452 इसका इंजन है, बाकी 450 तो नाम के लिए डाल दिया इन्होंने। इंजन आप चेक कर सकते हो अच्छे से, बाकी यहाँ और भी स्टिकर्स वगैरह होते हैं रॉयल एनफील्ड के, वो लगे नहीं हुए इसमें, मैंने देखे थे। एग्जॉस्ट वही है इसका हिमालयन का, सब कुछ लगभग हिमालयन का डाला हुआ है इसमें। इंजन एग्जॉस्ट पाइप देख सकते हो, सारी सेम हिमालयन वाली है। और जो ABS सिस्टम है वो ड्यूल चैनल ABS सिस्टम है गाइस इसमें। लाइट वही स्टैंडर्ड वाली है, बाकी सब कुछ तो वही नॉर्मल है। बाइक के टायर अलॉय देख सकते हो आप, 17 इंच के टायर हैं। ABS सिस्टम्स वगैरह बिल्कुल ओके हैं इसके। ये सामने से इसका लुक है गाइस। इंडिकेटर्स इसके बिल्कुल पतले पतले कर दिए गए हैं, बिल्कुल मैं देसी भाषा में बताऊँ तो आपको छपरी लग रही है, पर कोई बात नहीं, ठीक है। इंडिकेटर में चालू करके दिखाता हूँ, ये देखो वो लग रहे हैं नकली से। 4-way फ्लैश नहीं है इसमें, 4-way फ्लैश है, 4-way फ्लैश है गाइस इसमें। बटन चेंज कर दिया गया रॉयल एनफील्ड के द्वारा, बटन आगे लगा दिया गया, पहले यहाँ होता था साइड में। बैक टायर की बात करें तो बैक टायर भी थोड़ा सा हंटर जैसा लग रहा है, बिल्कुल सेम सा। और तो कुछ भी नहीं है, बस डिस्क ब्रेक्स वही है, ड्यूल ABS सिस्टम, बाकी सब कुछ वही सेम सा है गाइस। बाकी इसकी टेस्ट ड्राइव लेके मैं बताऊंगा आपको चलाने में फील कैसा है इसका। बाकी सब कुछ नॉर्मल है, टंकी इसकी 11 लीटर की है, फ्यूल टैंक इसका पूरा 11 लीटर का है, और बाकी सब तो बस वही नॉर्मल है। नेवर ओपन दिस, देख लो प्रेशर सिस्टम, ये लिक्विड कूलेंट सिस्टम है गाइस इसका। और भी काफ़ी सारी डिटेल्स हैं गाइस इंजन इसकी रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला 450 की, मैं बता देता हूँ आपको। इंजन कैपेसिटी इसकी है 400
152 सीसी पावर इसकी, 42 पीएस और 8000 आरपीएम है इसका। सीटी हाइट है इसकी अपने 780 मिलीमीटर गाइस, 780 मिलीमीटर। वेट इसका है अपना 185 kg। बाकी डिटेल्स मैं आपको बताता रहूँगा साथ साथ, ध्यान से देखते रहना वीडियो को, पूरी सुन लेना। ये बैक लुक है गाइस इसका और ये फ्रंट लुक है। फ्रंट लुक ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ गाइस इसका सेफ्टी फीचर्स क्या क्या है इसमें। LED टर्न लाइट्स हैं, ऑलवेज ऑन है, AHO है इसमें, ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन है और ABS सिस्टम तो मैंने बता ही दिया गाइस आपको। गोरिल्ला 450 की हाइट भी मैंने बता दी आपको, वैसे इसकी नॉर्मल हाइट है 780 मिलीमीटर और सीट की भी मैंने बता दी आपको। वेट इसका 185 kg बता ही दिया मैंने आपको। कंफर्टेबल सीट्स हैं इसकी, बट मेरे को ना हंटर की, जो रॉयल एनफील्ड हंटर है उसकी सीट इससे ज़्यादा अच्छी लगी गाइस, क्योंकि ये थोड़ी सी ना वो है, हाथों पे स्ट्रेस ज़्यादा आएगा इसमें। एक भी किसी भी राइडर के ना जिसकी हाइट छोटी है या नॉर्मल हाइट है, उसके हाथों पे स्ट्रेस ज़्यादा आएगा इससे। चलो बाकी कोई बात नहीं, लाइट ये हेड मीटर पता नहीं क्यों फ्लिकर कर रहा है इसमें, बाकी चलो इतना भी नहीं कर रहा। मीटर भी मैंने सारी डिटेल आपको दे ही दी है। मीटर का कंट्रोल सिस्टम एक तो ये है, एक वो देखो गाइस आपको बटन दिख रहा है, एक ये है मीटर सिस्टम। बाकी आप मीटर को फ़ोन से भी कंट्रोल कर सकते हो गाइस, ये बिल्कुल रॉयल एनफील्ड की ऐप से भी कनेक्ट हो जाता है। नेविगेशन सिस्टम वगैरह सब कुछ चलता है इसमें। टाइप सी इस बार दिया है इन्होंने चार्जिंग पॉइंट इस बार टाइप सी का है गाइस। डिटेल तो मैंने आपको बता दी है जितनी मेरे को पता थी, बाकी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल डाल दूंगा, फोटो के साथ स्क्रीनशॉट्स चलते रहेंगे वीडियो के साथ साथ। और मैं कह रहा हूँ अब मैं आपको ना इसका राइडिंग फील, राइडिंग एक्सपीरियंस बताता हूँ गाइस, चला के देखते हैं कैसी लगती है चलने में, हंटर से कंपेयर करेंगे, हंटर है हमारे पास। ओके गाइस आ जाओ। राइडर फील, राइडर पीओवी गाइस ये है इसका। बाकी अभी रोड पे दिखाता हूँ आपको पूरा इसका राइडर फील, राइडर पीओवी। बाकी आज वीडियो एडिट में बहुत टाइम लगने वाला गाइस। अब गाइस इसका राइडिंग फील देखते हैं क्या आएगा, क्या इसका साउंड है। अभी मैं स्टार्ट करूंगा इसका कोल्ड स्टार्ट, देखना गाइस। साउंड तो ठीक है गाइस इसकी, साउंड तो कंपैरेटिवली हंटर से भी मेरे को ठीक लगी। गियरिंग सिस्टम इसका वही सेम रॉयल एनफील्ड का है, पहला गियर नीचे बाकी सब ऊपर। आ जाओ भाई, राइडिंग फील इसका चेक करेंगे पूरा बढ़िया तरीके से। कंपैरेटिवली फील अच्छी आ रही है मेरे को हिमालयन से। पिकअप बहुत अच्छी है गाइस इसकी, फर्स्ट गियर में, फर्स्ट और सेकंड गियर में पिकअप इतनी अच्छी हो रहा। मैं कैमरा मैन पीछे पर आई, मेरा कैमरा मैन साथ साथ चलना चाहिए। पहले तो गाइस ये बता देना आपको मेरा मास्क कैसा लगा। मास्क मैंने आपको बोला था ना एक वीडियो में, मैं दिखाऊंगा आपको मास्क मेरा, देख लो। और अभी जो फील आ रही है मेरे को इस बाइक की, नेक्स्ट लेवल, नया बाइक लेने के लिए बहुत अच्छा है। प्राइसिंग वगैरह मैं इस पर रोक के बताऊंगा गाइस। जो बाइक टर्न्स ले रहा है, जो भी टर्न्स वगैरह है बिल्कुल सही ले रहा है भाई, एकदम फोर व्हीलर फ्लैश बंद कर देते हैं अपन। जो बाइक के टर्न वगैरह है बिल्कुल एकदम ओके आ रहे हैं। फिर बीच बीच में धक्के से दे रहा है, धक्के से पता नहीं किस चीज़ के, एबीएस सिस्टम पता नहीं क्या कर रही है। गाइस मैं कैमरामैन को दिख रहा था क्योंकि माइक का कनेक्शन इधर फिर है नहीं ना। अभी जो मैंने इसका, अभी जो इसकी पिकअप चेक करिए गाइस, ओ क्या बात है इसकी पिकअप की गाइस, एक सेकंड में ये इतनी तेज गया ना बिल्कुल।
रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला 450 बहुत गजब का बाइक है गाइस। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो बिल्कुल बेस वेरिएंट इसका 2,38,000 कुछ से स्टार्ट हो जाता है गाइस। टॉप एंड वेरिएंट है इसका फ्लैश, वो है इसका 2,68,000 से वो वहां से स्टार्ट हो जाता है। आप लोडिंग वगैरह इसमें कुछ भी करा सकते हो गाइस, लोडिंग वगैरह भी मैं आपको सब दिखा दूंगा। अबीर मोटर सिरसा इस पे सब कुछ है। मौसम भी बहुत अच्छा हो गया गाइस इस बाइक को लेके, अगर इस बाइक पे इस मौसम में राइड हो तो बहुत अच्छा लगे। बस जो बाइक में मेरे को सबसे अच्छी चीज लगी है गाइस वो लिक्विड कूलेंट इसका सबसे बेस्ट लगा है, क्योंकि बाकी रॉयल एनफील्ड अब कुछ कुछ बाइक में ही देता है, क्योंकि जीटी में है लिक्विड कूलेंट, हिमालयन में भी है शायद, या हिमालयन में शायद तक ये, बाकी मेरे को पता नहीं हिमालयन का, क्योंकि जीटी वगैरह में भी मुश्किल से ही है। लिक्विड कूलेंट होना बहुत जरूरी है रॉयल एनफील्ड में, क्योंकि इसके जो बाइक्स हैं जो इंजन की पावर है बहुत गर्म कर देती है बाइक को। मेरे बाइक जो है रॉयल एनफील्ड हंटर्स 350 वो उसका इंजन इतना गर्म हो जाता है ना, जूते चिपक जाते हैं गाइस उस पे, और बहुत गर्म इंजन हो जाता है। लिक्विड कूलेंट बहुत जरूरी है इसमें, लिक्विड कूलेंट बेस्ट लगा मेरे को इसका। बाकी आप भी बता देना वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा आपको, इसकी और भी डिटेल्स आएंगी गाइस नेक्स्ट वीडियो और बेटर होगी, सब कुछ बताऊंगा। इसको मैं चला के भी देखूंगा एक दो दिन के लिए, उसके बाद मैं बताऊंगा इसका पूरा राइडिंग एक्सपीरियंस क्या है, बाकी सब कुछ बताऊंगा। लोडिंग वगैरह आप कुछ भी करा सकते हो स्टैंडर्ड में गोरिल्ला 450 में। बाकी अबीर मोटर सिरसा पे आके आप इसकी सारी जानकारी ले सकते हो, सब इसको सब इसकी बताया जाएगा, सब आपको अच्छे से गाइड किया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा इसके बारे में, मैंने भी बता दिया आपको। ओके गाइस, डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल।